दोस्तों, क्या आप अपने मन को समझाना चाहते हैं कि सिर्फ सोच है सच्चाई नहीं? क्योंकि मानसिक समस्या में क्या होता है, वो अंदर ही अंदर आपको जो है कि इमेजिनरी विचार, डर वाला विचार आपको दिखा रहा होता है। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि अपने मन को समझाना चाहते हैं कि ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है, मतलब कि झूठा विचार है, फिर भी जो है कि आपको भी एक मन, आप भी जान लें कि ये सब चीज़ हम कुछ भी होने वाला नहीं है, फिर भी मन में बार बार रह रह करके अटक जाता है और रुकाव आ रहता है मन में, और मन में डाउट सा पैदा कर रहा था, उसकी वजह से निगेटिव गिल्ट फिर होते, कोई काम करने में इच्छा नहीं कर रहा होता है, इमेजनरी विचार है, रियल नहीं है, मतलब झूठा है, इमेजनरी मतलब सिर्फ इमेजनरी माइंड में इमेजिनेशन के रूप में चलने लगता है, जो कि रियल नहीं है, जो कि आपका सच में कुछ भी नहीं होने वाला है, बशर्ते उस सच सा प्रतीत होने लगता है, लगता है कि रियल है लेकिन रियल एक्चुअल में है नहीं। क्या आप ऐसा मन को बार बार आप समझाने का प्रयास भी करते हैं लेकिन आपका मन नहीं समझता है क्या? तो आज इस वीडियो में देखिएगा आपका वीडियो, और आपको इसमें ट्रिक भी मिलेगा, आपको जो तरीका मिलेगा कि उस तरीके से अगर आपको मानसिक हो, डिप्रेशन हो, आपको जो है कि किसी कोई OCD हो, फोबिया हो, किसी भी तरह का अगर हो, तो अपने मन को किस तरह के समझाइए, क्योंकि मन को ही समझाना है। आपका मन जो है ना क्या कर रहा होता है, देखिए दो मन होता है गाइस, दो मन होता है, एक मन का पार्ट मान लेते हैं, एक जो है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है, एक है आपका कॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये मतलब 95% हिस्सा है, और ये जो है कि आपका मात्र 5% हिस्सा है, ठीक है गाइज, इस पर हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है गाइज। और ये मन जो है ना बक 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 करते रहता है अपने आप, बक बक अपने आप कुछ ना कुछ विचार लाते रहता है कोई भी चीज़ से रिलेटेड। आज जो मानसिक समस्या हो रही है, आप लोग कहते हैं कि कौन बकबक कर रहा है, मन अंदर ही अंदर जो कुछ काम भी कर रहे थे फिर भी बकबक कर रहा होता है, डर दिखा रहा होता है, कुछ न कुछ विचार ला रहा होता है, तो ये आपका 95% हिस्सा जो है वो वाला मन जो है कि वो आपको ऑटोमेटिक अपने आप विचार ला रहा होता है। समझिए इस बात को, ये क्या होता है कि आपको देखते होंगे कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं या कोई काम करने, जैसे जॉब पे गए हुए वहाँ कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर कोई काम कर रहे हैं, फिर भी अंदर ही अंदर कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं, तो कौन मन ला रहा है विचार, ये विचार ला रहा है। आप इस मन से जो है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कोई काम में आप काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो इस मन से ये कॉन्शियस माइंड जो हिस्सा है वो 5% हिस्सा इससे आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो है कि 95% वाला हिस्सा जो है कि ये इस पर आपका कंट्रोल नहीं, ये आपका मन कुछ ना कुछ विचार जो है कि आपका चलते रहता है दिमाग में, समझ रहे हैं, तो इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। क्या गाइज, हमारा मनुष्य का इस पर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, और इस पर जो है कि हमारा कंट्रोल होता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये से ही ये बनता है, इससे ही ये बनता है, मतलब ये कॉन्शियस माइंड के एफर्ट के से ही ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड बनता है गाइज, सबसे बड़ी बात ये चीज़ है। अब बात आता है कि ये जो बकबक कर रहा है, ये जो विचार बार बार ला रहा है, जो झूठा विचार को क्या कर रहा है, जो सोच है सच्चाई नहीं है, बस उसको भी क्या कर रहा है, रियल मान रहा है, इमेजनरी है फिर भी जो है कि उसको रियल मान रहा है। जैसे कि आपको गंदगी नहीं लगी हुई है फिर भी मन में आ गया डाउट, आ गया गंदगी लगी हुई है, तो आप चेकिंग करने लगते हैं, देखने लगते हैं, साफ सफाई करने लगते हैं, आपको जो है कि मन्नत नहीं मांगे हैं लेकिन मन्नत का विचार जो है कि मन में जैसे आ गया तो लगता है कहीं मन्नत तो नहीं मांग ली, नहीं चढ़ाएंगे भगवान कैसे जाने देंगे, ये सिर्फ जो क्या है, सोच है, सच्चाई नहीं है, रियल नहीं है, आपका इमेजनरी वाली विचार है, बशर्ते उसको क्या हो रहा था, उसको सच मान रहा होता है। तो ये जो है कि कौन कर रहा होता है गाइस, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है, समझिए इस बात को। अब जो है कि क्या हुआ है कि ये जो है कि आपका जो है कि ये कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड कैसे गया हुआ है, ये एक्शन लेके गया हुआ है, बार बार इस पर एक्ट किए हुए हैं। आपने क्या किए हैं कि जा करके बार बार जैसे डाउट आया आपने चेकिंग किया, बार बार जो है किया, सिर्फ सोच को सच्चाई बनाए, आप सोच को क्या हुए, सच्चाई बनाए, कब बनाए, जब एक्शन लिए, बार बार जो है चेकिंग किए, बार बार जो भगवान से माफ़ी मांगे, या बार बार जो है कि आप जा करके जो है कि ताला चेकिंग करने लगे, आपको डाउट आया कहीं ताला खुला हुआ है, तो जबकि ताला लगा दिए एक बार फिर भी मन में डाउट आया, आपको जो है कि डॉग के पास से गुजरे लेकिन आपको जो है कि डॉग काटा नहीं है, बशर्ते आपने बार बार चेकिंग करने लगे, बार बार उसको जो है कि मन में डाउट आया, बार बार चेकिंग कर रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि आपको पैर के पास जो चेकिंग करते रहते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो है कि जो सिर्फ सोच है जो कि सच्चाई नहीं है, बशर्ते उसको आप सच बना रहे हैं चेकिंग कर करके, एक्शन ले करके, हमारा इसी के लिए जो है कि ये सबकॉन्शियस माइंड का आदत बन गया है,
इसलिए क्या कर रहा है कि आज जो है कि आपको डॉट बार बार ला रहा है और आपको बार बार डॉट ला करके आपको परेशान कर रहा है। अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अपने मन को समझाने का एक ही तरीका है, आपका बुद्धि। बुद्धि क्या गाइज, दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ, ये बुद्धि क्या है कि बुद्धि सब एक अंदर है, बुद्धि सभी इंसान के अंदर होता है गाइज। तो ये जो बुद्धि को कैसे अब स्ट्रॉन्ग किया जाए, बुद्धि होती है स्ट्रॉन्ग समझ से। अब क्या है कि अभी आपको जो ऊपरी भाषा में समझ आता है, सिर्फ गहराई से समझ नहीं, ऊपरी भाषा समझ में आ रही है, ये सोच है इससे कुछ भी नहीं होने वाला, फिर भी डर रहे हैं आप, बार बार जो है कि वैसा कर पा रहे क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड विचार ला रहे हैं आपको। तो ये समझ को गहरा करना पड़ेगा कि अपने मन को समझाना पड़ेगा, अपने मन को कहना पड़ेगा ये भ्रम है, इसके जो है कि ये ओसीडी का विचार की वजह से आ रहा है, समझ रहे? जो ये सब जो विचार आ रहा है तो आपको क्या करना है कि इस सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न बने हुए हैं इसको तोड़ने के लिए इस समझ को गहरा करना, ये जो अब जो है कि इस समझ को गहरा करने के लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। ये जो सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि हमको एक्शन लोगे तब जो है कि हम उसको रियल मानेंगे। जैसे ही आपको जो है कि धोने वाला विचार आएगा, अपने मन को, मन आपका विचार लाया, आपको जो है डराने का फर्क लाया, चेकिंग करने के लिए कहा, और आपको जो कहा कि फ्यूचर में कुछ बुरा हो जाएगा, इस तरह का डर दिखाया, तो आपको क्या करना है कि उस पर एक्शन नहीं लेना है, बोलना है कि उसके साथ दोस्ती कर लेना है, उसके साथ दोस्ती करना कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। और साथ में क्या करना है कि अपने मन को समझाना ये ओसीडी वाला विचार है, ये भ्रम है, इस पर हमको एक्शन नहीं लेना है। बस क्या करना है कि ये एक्शन नहीं लेना भी एक प्रकार का क्या है, एक्शन है। मतलब क्या कर रहे हैं, विचारे आ रहे हैं उस पर आप एक्शन नहीं ले रहे, ये भी एक प्रकार का एक्शन लेना हुआ कि आ रहा है विचार, बस समझ रहे कि ओसीडी वाला विचार है, ये झूठा विचार है, ये मन का भ्रम है। ये कौन भ्रम है? ये सबकॉन्शियस माइंड का भ्रम है गाइज, ये इसमें झूठा बन गया हुआ है पैटर्न। तब आपका पैटर्न टूटेगा, लेकिन थोड़ा बहुत घबराहट होगा, उस घबराहट को सहना है जो कि आपके फायदेमंद के लिए है, समझ रहे? ये जो आपका मन है, मन जो है ना पेन सहना नहीं चाहता है, बशर्ते ये चीज़ समझिए कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये जो 95% हिस्सा है, ये पेन नहीं सहना चाहता है। देखिए अब कौन पेन नहीं सहना चाहता है कि मतलब जो है कि आपको मन में डाउट ला दिया, अब जो है कि साफ सफाई का या चेकिंग का या माफ़ी का जो आ रहा है वो चाहता है तुरंत कर ले, उससे क्या होता है उसको तसल्ली मिलता है, संतुष्टि मिलने का चांस रहता है, वो चाहता है कि हम ठीक होंगे, लेकिन अब जो गलत रास्ता पकड़ लेता है गाइज। आप समझ रहे होंगे हमारी बातें को, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ जो है कि प्रॉब्लम होता होगा तो आपका जो है कि आप चाहते होंगे एक्शन नहीं लेने के, लेकिन ज़बरदस्ती एक्शन ले लेते होंगे, ज़बरदस्ती आप साफ सफाई करने में लग जाते होंगे, ज़बरदस्ती पूजा पाठ में लग जाते होंगे, मतलब पूजा पाठ मतलब जो है कि सेंस में एक बार प्रणाम कर लिए लेकिन बार बार जो है कि फिर प्रणाम कर रहे हैं, बार बार जा करके माफ़ी मांग रहे हैं, समझ रहे हैं? और क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ को चेकिंग करने का, आप एक बार चेकिंग कर लिए लेकिन बार बार फिर चेकिंग करवा रहा है मन आपको, तो ये सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा होता है। तो आपको क्या करना है, वो एक्शन नहीं लेना भी एक्शन है गाइज, मतलब एक्शन नहीं लेना है, मतलब अंदर ही अंदर सिर्फ समझ डेवलप करना है। और ये ओसीडी की वजह से ऐसा ऐसा विचार आते हैं, विचार तो आएंगे ही क्योंकि पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि देखिए माइंड अपने नियम पे चल रही है, जाने अनजाने में गलत पैटर्न आपने जो है कि बना दिया हुआ है, लेकिन बशर्ते वो जाने अनजाने में बनाए, जाने अनजाने में बीमारी लग जाती है, लेकिन उसके लिए इलाज करवाना पड़ता है गाइज। जाने अनजाने में कोई भी नहीं चाहता हमको पेट दर्द हो, लेकिन खाते हैं कुछ ना कुछ पेट दर्द होता है, तो उसके लिए इलाज करवाना पड़ता है या इलाज करना पड़ता है गाइज। तो उसी तरीके से जो है कि ये जाने अनजाने में आपने गलत पैटर्न बना दिया एक्शन ले लेकर करके, तो उस समझ से ही एक्शन ठीक होगी। अब समझना ही क्या है कि ये ओसीडी का विचार है, ये झूठा विचार है, इस ये जो है कि मन का भ्रम है, ये जो है कि जिस पे आप एक्शन ले रहे हैं कि कुछ हो जाने का, कुछ होने वाला नहीं है, बशर्ते आज तक मान लीजिए अपने एक्सपीरियंस से सीखिए कि पीछे जितना विचार आया कुछ हुआ क्या, कुछ जो है कि आपको जो भी डर दिखा रहा था कोई वैसा हुआ, देखेंगे कुछ हुआ ही नहीं, बशर्ते झूठा डर हमें जो है कि उसको जो है कि बार बार सच मानने की आदत बन गई हुई है, बशर्ते उसी को उस विचार आएंगे, विचार को आएंगे, बशर्ते आपको एक्शन लेना है कि ये ओसीडी का विचार है, इससे कुछ भी नहीं होने, बस ये लेवल लगाना है आपको। तब फिर क्या करना है कि आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है, बस यही एक्शन लेना है कि रिएक्शन नहीं करना है, यही एक्शन लेना है गाइज। तब फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपका पैटर्न बदलने लगेगा गाइज,
और जो है कि आपका जो है कि मन समझने लगेगा। जब आप एक्शन नहीं लेंगे उस पर, मतलब जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे उसके ऊपर, तो क्या होगा, यही आपका एक्शन लेना है, यही आपका जो है कि समझ डेवलप करना है। कि तब धीरे धीरे जब ये समझ डेवलप होगा, ओ इसे हमारा पैटर्न बदल रहा है, तब ये सबकॉन्शियस माइंड जो है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो भी आपको सपोर्ट करने लगेगा, ये मन भी आपको सपोर्ट करने लगेगा कि अरे हम एक्शन नहीं लेते हैं, हम उस पर विचार आ रहा है, हम उस पर रिएक्ट नहीं करते, तो फिर जो हमें अच्छा फील होता है, कुछ होता ही नहीं है। बसरते हैं, चलिए एक टेक्निक हम दूसरे वीडियो में सिखाएंगे गाइज, 90 सेकेंड का रूल जो है कि बहुत ही वो फीलिंग के ऊपर है। आज का वीडियो हम यही समझाना चाह रहे थे गाइज कि ना, मतलब मन को इस तरह के समझाना है, इस तरह के समझाने आप एक्ट कीजिए। चलिए हम शुरू से क्या करते हैं, बस समझ को डेवलप करना है, बुद्धि आपके अंदर है, बस जो है कि बुद्धि को जो है कि क्या करना है, अपना डेवलप करना है, समझ। बुद्धि क्या होता है, समझ, अपने अंदर गहराई समझ को डेवलप करना है। OCD के बारे में, मानसिक समस्या के बारे में, धीरे धीरे आपका ये प्रॉब्लम दूर होने लगेगा, आप ही प्रॉब्लम से आज़ाद होने गए। चलिए गाइज आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।